अगर आप कर रहे हैं टेट की तैयारी तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मिनिमल सब्सक्रिप्शन फीस में आप अनलिमिटेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी में कोर्सेज हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफी चीपर है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ओनली 900 रुपीज में, जब आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रेफरल कोड यूज करेंगे। रेफरल कोड को यूज करके एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड MCQs, फ्री लेसन्स, ई बुक्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा। साथ ही साथ सारे लेसन्स एड फ्री होंगे। सो गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन टुडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लिए, जो कि आने वाले CTET एग्जाम जो कि जुलाई में होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के CTET में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे एग्जाम में, उसका मैंने एक कलेक्शन किया है 50 क्वेश्चंस का। तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं से मिलते जुलते थोड़े से ऊपर नीचे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नया अलग से बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विच द न्यूमरेटर्स आर सम सेम एज एग्जाम्पल 3/5 एंड 3/7, रोहित रिस्पॉन्स वॉज सिंस द न्यूमरेटर्स आर सेम एंड सिंस 7 इज लार्जर देन 5, देयरफॉर 3/7 इज बिगर देन 3/5। दिस सजेस्ट दैट, भाई एक रोहित स्टूडेंट है, वो क्या करता है जब क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ाया जाता है तो वो देखता है कि ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनका न्यूमरेटर सेम है ना, 3 है दोनों का न्यूमरेटर। तो वो क्या सोचता है कि भाई जैसे इन दोनों के न्यूमरेटर सेम है लेकिन जो इनके डिनोमिनेटर है वो 5/7 है, तो 7 बड़ा होता है इसलिए जो 3/7 वाली डिजिट है वो बड़ी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये क्या दर्शाता है रोहित के बारे में? नंबर 1, रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, या रोहित हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, या फिर रोहित डज नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शंस, या फिर रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि भाई जो रोहित है उसको जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है, ये हमें 3 स्टेजेस दी हुई हैं, है ना। इसमें क्या किया है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है जिसको मैचस्टिक्स के थ्रू बनाया गया है। जैसे पहले वाले पैटर्न में हमने यूज़ की हुई है 6 मैचस्टिक्स, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4 मैचस्टिक्स और ऐड कर दी हैं पहले वाले में, ठीक है। सिमिलर वे में यही वाली पूरी स्टेज यहाँ चली गई है, फिर हमने 4 और उसमें ऐड कर दिए थर्ड स्टेज में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 15th स्टेज पे कितनी मैचस्टिक्स नीडेड होंगी, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज से लेके 14th स्टेज तक आपको प्लस करना है, ठीक है। हमें 14th स्टेज तक निकालना है बिकॉज एक स्टेज जो हमारी इनिशियल है वो ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 14 इंटू कितना करेंगे 4, क्योंकि हर स्टेज पे 4 मैचस्टिक्स भर जा रही हैं। तो 4 4 16, ठीक है, यहाँ पर आ गया 54, ठीक है। अब हमें फर्स्ट स्टेज पे ऑलरेडी 6 दी हुए हैं, तो 54 प्लस 6 हम यहाँ पर कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो है 62। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट में ही, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर कैन बिगिन विद। भाई एक जो टीचर है वो क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ाने जा रही है, तो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने के लिए वो कैसे स्टार्ट करेगा उस टॉपिक को? राइटिंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड देम, और आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, और फाइंडिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, कि भाई वो बच्चों को बोलेगी जो आसपास क्लास में उनके कोई भी जो फ्रैक्शनल थिंग्स हैं जो आधी अधूरी है या 1/4 है, 3/6 है, जो भी वो लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं
वो आसपास अपने सराउंडिंग्स में से देख के करे, जिससे क्या होगा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा रियल लाइफ सिचुएशन से, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, द इफेक्टिव मेजर फॉर कल्टिवेटिंग लर्नर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इज, फर्स्ट टू रिलेट द सब्जेक्ट मैटर टू द लर्नर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, सेकेंड टू इंक्वायर अबाउट द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज इन रिलेशन टू वॉट इज बींग टॉट, थर्ड टू मेक लर्नर्स एक्वेंटेड विद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स मोर प्रेफरेबली इन डेली लाइफ सिचुएशंस, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, कि भाई ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट है, हमें बताना है ये जो नंबर दिया हुआ है हमें 49,532, इसका जो नियरेस्ट 1,000 है या फिर जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो जो नियरेस्ट डिजिट आएगी वो कौन सी होगी। ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी भाई, ये 49,000 है, ये 41,000 है, ये शायद हो सकती है, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये छोटी डिजिट है इससे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 49,500, अब यहाँ पर हमारे पास 532 है तो ये भी नहीं हो सकती है बिकॉज ये भी छोटी डिजिट है उससे। तो जो इसके नियरेस्ट होगी या इससे ग्रेटर या राउंड ऑफ होगी वो होगी ये वाली डिजिट, यानी कि 50,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जो इसका आंसर है वो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार्ट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन थिंग्स इन द चाइल्ड्स एनवायरमेंट विच रोल एंड स्लाइड हेल्प चिल्ड्रन टू लुक एट देयर शेप्स एंड सी हाउ सम थिंग्स रोल एंड अदर स्लाइड, सजेशंस लाइक दिस हैव बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 2 टू हेल्प अ टीचर अंडरस्टैंड दैट। जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 2 की, उसमें कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि अगर आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, जो चीज़ें रोल होती हैं, घूमती हैं या फिर स्लाइड होती हैं, फिसलती हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, एक टीचर को जो आसपास उनके एनवायरनमेंट में, क्लासरूम में, स्कूल में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो रोल होती हैं, स्लाइड होती हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए कहना चाहिए, बताने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है बुक में, ये हमें बताना है। डिस्कशन सप्लीमेंटेड विद डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर, और डिस्कशंस ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इनटू द क्लासरूम, और डिस्कशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द मैथमेटिक्स क्लासरूम, और इट इज इम्पेरेटिव फॉर द टीचर्स टू ड्रॉ द चिल्ड्रंस अटेंशन टू द थिंग्स अराउंड देम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज इसमें लिखा है जब आप इस तरीके के डिस्कशंस करेंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होगा या डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, आप बच्चों को चीज़ें करके दिखाएंगे या बच्चे खुद से डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे उन चीज़ों का, तो उन लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। गाइज मैं हर पॉइंट को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द चैप्टर्स इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4 हैव टाइटल्स लाइक 38, जजंग सेलर, ट्रिप टू भोपाल, दिस शिफ्ट हैज़ बीन डन टू। क्लास 4 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो चैप्टर्स के नेम हैं वो इस तरीके से, द जंग सेलर, ट्रिप टू भोपाल, द वे द वर्ल्ड लुक्स और 38। तो भाई इस तरीके के मैथमेटिक्स की बुक में क्यों दिए गए हैं जो हेडिंग्स है, या इस तरीके का शिफ्ट क्यों किया गया है? टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाई रिलेटिंग इट टू एवरी डे लाइफ, नो अबाउट सेलिंग जंक एंड ट्रेवलिंग, चैलेंज द स्टूडेंट्स टू गेस द मैथमेटिकल कॉन्टेंट इन द चैप्टर्स और मेक दैम अंडरस्टैंड डिफरेंटली। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि भाई उन चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया गया है, उनकी एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिया इज गुड इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, विच टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज हर इज हाई। भाई प्रिया एक स्टूडेंट है जिसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इस टाइप के इंटेलिजेंस लेवल को हम क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, इंटरपर्सनल या साइकोमोटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉजिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकली आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, इस तरीके से आप लिंक करके इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स ए, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, सेकेंड एस्टिमेशन, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस या फिर यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ सॉल्यूशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होगी, तभी जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आसानी से सॉल्व कर लेंगे जब वो करके उनको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
Sequence the following tasks as they would be taken up while developing the understanding of shapes and space across primary classes. ये हमें सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, इसमें से हमें एक करेक्ट सीक्वेंस बतानी है. ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, इनको हमें सीक्वेंस करके लगाना है. इनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सबसे बढ़िया है शेप्स एंड स्पेस की अंडरस्टैंडिंग एक क्लास को देने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए. अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने का जो ट्रिक होता है वो मैं बता देती हूँ. आप पहले फर्स्ट ऑप्शन इनका चेक कर लीजिए. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 है और 3 है, दोनों में सी सी आ रहा है. तो पहले आप क्या करिए, इन्हीं दोनों को फर्स्टली चेक करिएगा, है ना. तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट दो को आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर तो ए दे रखा है, यहाँ डी दे रखा है, तो पहले हम इनमें से चेक कर लेंगे. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, सी ए डी बी. देख लेते हैं, सॉर्ट टू डी शेप, सी के बाद में ए था. मैचेस द प्रॉपर्टीज ऑफ टू डी शेप्स बाय ऑब्जर्विंग देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स. फिर उसके बाद ए के बाद में डी था. डिस्क्राइब्स द वेरियस टू डी शेप्स बाय काउंटिंग देयर साइड्स कॉर्नर्स एंड डायगनल्स. और लास्ट में हमारे पास बी था, डिस्क्राइब्स इंट्यूटिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ टू डी शेप्स. नेक्स्ट है, ये हमें एक ऑपरेटर दे रखा है. यहाँ आप देख सकते हैं सब जगह एक एक ऑपरेटर देखा है. तो हमें इसे पहले समझना है कि ये क्या दे रखा है. अब आप देखिए 4 ऑपरेटर 3 हमें दे रखा है. तो 4 के बाद हमने 2 डिजिट्स और ऐड कर दिए हैं, 4, 5, 6, और ये जो टोटल डिजिट्स हैं वो है 3. इसी तरह 5 ऑपरेटर 4 हमें दे रखा है. तो हमने 5 के बाद 3 डिजिट्स और ऐड कर दिए हैं, 5, 6, 7, 8, और ये टोटल डिजिट्स हैं वो 4 है जो यहाँ पे 4 दे रखा है. यहाँ पे भी 4 ऑपरेटर है, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं और 6 के बाद में 6, 7, 8, 9 कर दिया गया है. अब यहाँ पे पूछा है कि n ऑपरेटर 8 का क्या इक्वल होगा. तो आप इसको कैसे करेंगे, n n plus 1 n plus 2, ऐसे करके n plus 8 तक आप इसको प्लस कर लेंगे. n n plus 1 plus n plus 2, इस तरीके से आप इन सबको प्लस करते जाएंगे. जब लास्ट में आप सब चीज़ों को प्लस कर लेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, 8n plus 28, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ टीचर हैज़ टू टीच द सब्जेक्ट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है. द स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग विल बी, एक टीचर को क्लास में वॉल्यूम और सरफेस एरिया सिलेंडर और कोन का पढ़ाना है, या सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम एरिया उसको क्लास में समझाना है, तो वो किस तरीके से पढ़ाएगी या कौन सा स्किल या अप्रोच वो अपनाएगी. द पीपल विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर्स ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन. द पीपल विल बी एबल टू ड्रॉ द फिगर ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन. द पीपल विल बी एबल टू रिकॉल द फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन. द पीपल विल बी एबल टू फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन व्हेन अ गिवन सिलेंडर इज मेल्टेड इनटू कोन. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1. द पीपल विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर्स ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन. जो बच्चे होंगे जो सिलेंडर और कोन का जो फीचर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, शेप्स डिफरेंट होती है, तो वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स. पहले तो ये बताइए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है. डायग्नोसिस आप समझ लीजिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी हो गई है, समझ लीजिए बुखार हो गया है, तो वो पहले आपका डायग्नोसिस करता है, आपका हार्ट बीट चेक करता है, आपका हाथ पकड़ के देखता है कि कितना बुखार है, मतलब गर्म है कि नहीं आपकी बॉडी. फिर थर्मामीटर से आपका बुखार वो चेक करता है, आपको डायग्नोस करता है. फिर उसके बाद में वो आपको मेडिसिंस देता है उस बुखार को क्योर करने के लिए. अगर मलेरिया या टाइफाइड का सिम्टम्स हैं तो वो उनके टेस्ट करता है, यानी कि डायग्नोसिस करता है. इसी तरह मैथमेटिक्स में डायग्नोसिस का पर्पस क्या है ये हमें यहाँ पे बताना है. टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग और टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा. डायग्नोसिस मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाए तो वो इसलिए किया जाता है कि बच्चों की कहाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है या क्या गैप्स हैं, उन गैप्स को फाइंड आउट करना और फिर अकॉर्डिंगली मेजर्स लेना, जिससे रेमेडियल टीचिंग जिसे बोलते हैं. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में जनरली जो होती है वो होती है रेमेडियल टीचिंग, फिर उन रेमेडीज को लेना जिससे कि बच्चे की लर्निंग बेहतर हो सके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये जो नंबर है इसको कैसे रीड करेंगे.
तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता दे रही हूँ, ये है 4,07,928। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है होकबन के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज ट्रू फॉर अ हेक्सागोनल पिरामिड। इनमें से आपको बताना है कि हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। इट हैज टू हेक्सागोनल फेसेस एंड सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस, इट हैज सिक्स हेक्सागोनल फेसेस जॉइंड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस, और इट हैज सिक्स फेसेस एंड ईच फेस इज अ हेक्सागोन, और इट हैज अ हेक्सागोनल बेस विद सिक्स ट्राइंगुलर फेसेस मीटिंग एट अ पॉइंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी फोर डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 9000। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विकास टीचेस मैथमेटिक्स टू अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स, ही बिलीव्स दैट कंडक्टिंग अ टेस्ट इज इफेक्टिव इफ द फीडबैक इज गिवन इमीडिएटली। ठीक है, ही कंडक्टेड अ शॉर्ट क्लास टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स, व्हाट इज द पॉसिबल वे ऑफ गिविंग द फीडबैक इफेक्टिवली। विकास एक टीचर है जो एक क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और उस क्लास में जो बच्चे हैं वो 56 है, तो उनका मानना ये है विकास का कि बच्चों का अगर टेस्ट लेके उनको तुरंत ही फीडबैक दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बच्चे ज़्यादा अच्छे से फीडबैक को ग्रैस्प कर पाते हैं और वो सीख पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्लास में एक शॉर्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं 10 नंबर का। तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है बच्चों को फीडबैक देने का जो कि इफेक्टिव रहे। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रही आंसर बता दे रही हूँ कि क्या होगा इसका। जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है वो क्या करेंगे, वो पूरी क्लास का एक डिस्कशन करेंगे। जैसे जो उन्होंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं 10 मार्क्स के, तो पहले वो एक क्वेश्चन लिखेंगे और पूरी क्लास के साथ डिस्कशन करेंगे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, बच्चे इन्वॉल्व होंगे और एक इफेक्टिव वे है जिससे बच्चों को फीडबैक भी मिलेगा, साथ ही साथ जिन लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा या सॉल्व करना नहीं आता होगा वो भी डिफरेंट जो तरीके होंगे उनको जान पाएंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन टीचिंग शेप्स अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एज। क्लास में जब एक टीचर शेप्स के बारे में पढ़ा रहा है तो वो एक ट्रिप प्लान कर सकता है हिस्टोरिकल प्लेसेस में। एज फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय CBSE सो दे आर अ मस्ट, और शेप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स एनकरेज कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स, और शी हैज़ कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस वेल इन टाइम एंड नीड्स टू प्रोवाइड लेजायर, और इट वुड बी अ गुड ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स क्लास एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, शेप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स एनकरेज कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन। आप किसी भी मॉन्यूमेंट में जाएं, चाहे आप ताजमहल में जाएं, चाहे आप दिल्ली में किसी मॉन्यूमेंट में जाएं, दिल्ली गेट पे जाएं, तो क्या होता है वहाँ पे जो शेप्स दे रखी हैं, आपने गुम्बदें देखी होंगी या ये है ना गुम्बदें हो गई या पिलर्स के से कुछ शेप बन गई, चार मीनार बन गया है ना, तो ये सब एक आर्किटेक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों को दिखाने से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी और डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन अ डाइस। अब हमें क्या बताना है, एक डाइस में जो उसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो उनका जो टोटल होता है वो होता है 7। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से किसको हम फोल्ड कर दें तो वो एक डाइस बन जाए या पासा बन जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 6 और 1, 7, तो इसके सारे ऑपोजिट जो फेसेस है वो 7 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर 6, 5, 11 ये तो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा 7 है ही नहीं, 5 इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, इसके इधर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसके जो सारे फेसेस हैं उन सबका टोटल 7 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया टीचर कैन स्टार्ट विद। एक जो टीचर है क्लास में एरिया टॉपिक पढ़ाना चाहती है तो वो कैसे स्टार्ट करें, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फिगर्स विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर, एक्सप्लेनिंग ऑफ फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरियाज ऑफ फिगर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स,
or comparing area of any figure with the help of different objects like palm leaf, pencil, notebook, etc. or calculating area of a rectangle by finding length and breadth of a rectangle and using the formula for area of rectangle, that is length into breadth. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. फिर है क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन फेस्ड विद वर्ड प्रॉब्लम्स राजन यूजुअली आस्क शुड आई ऐड और सब्सट्रैक्ट, शुड आई मल्टीप्लाई और डिवाइड, सच क्वेश्चन सजेस्ट. राजन एक स्टूडेंट है, जब भी कोई जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाए जहाँ पे न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं दी हुई हैं, आपको पढ़ के क्वेश्चंस को समझना है, मैथ्स वाले क्वेश्चंस को, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे करना क्या है इसमें. तो ये क्या सजेस्ट करता है राजन के बारे में कि उसकी कहाँ अंडरस्टैंडिंग लैक हो रही है, ये हमें बताना है. राजन लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशंस, राजन कैन नॉट ऐड एंड मल्टीप्लाई, राजन सीक्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्टर्ब द क्लास, राजन हैज प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर जो है वो फोर्थ करेक्ट है कि राजन हैज प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज. उसको जो लैंग्वेज है उसको कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होती है, समझ नहीं पाता है वो. ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 24. अरोम्बस हैज डायगनल्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर. इसमें आपको क्या करना है, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले तो आपको इसको डिवाइड कर देना है 2 से. ये डायगनल्स दे रखे हैं, इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और 3. फिर हमें फॉर्मूला लगाना है, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप ये दोनों डिजिट इसमें ऐड कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 5 इंटू फोर कर देंगे हम इसका पेरीमीटर निकालने के लिए. तो 5 फोर जा होता है कितना हमारा, 20. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 20. फिर है लुकिंग एट द टेबल, ये 3 बसेस हैं. ठीक है, ये स्टेशंस हैं और ये इनके डिपार्चर और अराइवल टाइम्स हैं. हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सी ऐसी बस है जो बहुत जल्दी न्यू दिल्ली से मथुरा पहुंच जाएगी. ठीक है, बस 1, बस 2, बस 3. तो आप इनको माइनस करके टाइम को निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट करके. मैं डिटेल में अभी इसे नहीं बता रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा उसे बताने में. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी बस 1. ठीक है, उसके बाद में है एक टीचर है जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा रही है क्लास में, तो वो इस टाइप के एरर की तरफ आ पाती है. ठीक है, तो देखती है एक बच्चे ने इस तरह की गलती की हुई है अपनी कॉपी में, उसने सीधे सीधे प्लस करके दोनों फ्रैक्शंस को 2/5 लिख दिया है, तो वो क्या रेमेडियल एक्शन लेगी जिससे कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. Help the child to understand the magnitude of each fraction. Help the child to understand the concept of LCM. Ask the child to practice as much as she can or no intervention is needed because she will understand as she grows up. तो जो इसका correct option है वो है option number 2, कि वो बच्चे को LCM का concept समझाएगी. फिर है question number 27. Sequence the following tasks as they are taken up while developing the concept of measurement. First, learners use standard units to measure length. Second, learners use non-standard units to measure length. Third, learners verify objects using simple observation. Or fourth, learners understand the relationship between metric units. अब हमें इसे sequence में लगाना है. मैं directly इसका जो correct sequence है वो बता दे रही हूँ. वो है first, यानी CBAD. देख लेते हैं, लर्नर्स वेरीफाई ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सिंपल ऑब्जर्वेशन, फिर है लर्नर्स यूज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, फिर लर्नर्स यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ, एंड देन लर्नर्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैट्रिक यूनिट्स. तो ये सीक्वेंस इसका करेक्ट है. उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28. द NCF 2005 कंसिडर्स दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग. From the statements given below, pick out one which does not reflect the above principle. ठीक है, first है इसका option the method by which it is taught. Second, giving students set formula to solve the numerical questions. Third, the way the material presented in the textbook is written. Or fourth, the activities and exercises chosen for the
क्लास. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर टू. फिर है क्वेश्चन नंबर 29. These days prices have started rising. हमें इन चारों में से बताना है, चारों फिगर्स में से कि कौन सी एक फिगर है जो प्राइस राइज को डिनोट कर रही है. अब आप इसको देखेंगे पहले, तो ये पहले प्राइस राइज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो जा रहा है. ये प्राइस फॉल हो के लिए दिखा रहा है. ये भी दिखा रहा है कि प्राइस पहले तो बहुत हाई थे फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो गए. सिर्फ यही एक फिगर है जो दिखा रही है प्राइस को बढ़ते हुए या अपवर्ड डायरेक्शन में. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड अप्लाई एंड मेक कनेक्शंस अक्रॉस द कॉन्सेप्ट. भाई एक गुड मैथमेटिशियन बनने के लिए या टीचर बनने के लिए या खुद से अच्छा एक मैथमेटिशियन बनने के लिए क्या मस्ट है या क्या आपको आना चाहिए है. मास्टर्स द टेक्निक्स ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस और मेमोराइज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला और सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम. तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, कि आप उस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से अप्लाई करना आपको आना चाहिए, साथ ही साथ हर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के बीच में आपको कनेक्शंस बनाने आने चाहिए. सो गाइज, इस वीडियो में मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस करा रही हूँ बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो जो है इसका सेकेंड पार्ट जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके कंप्लीट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ही जरूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.